वेलकम इन्वेस्टर्स, स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 26 अगस्त 2020, और जैसे कि आज हम डेली बेसिस पे बायोकॉन का जो हमने एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस का हम यहां पर रिव्यू करने वाले हैं कि क्या कुछ ट्रेड यहां पर बायोकॉन पे रहा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कल जो हमने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया था बायोकॉन का, और जहां पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बायोकॉन का जो डेली ट्रेंड है वो डाउन है, और अगर किसी का पोजीशन होल्ड पोजीशन अगर लॉस में है, अनरियलाइज्ड लॉस अगर उनको हो रहा है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हुई है, और यहाँ पर हमने बताया था कि कैसे इस स्टॉक को डेली यहाँ पर एक फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट हो सकता है, और वो डेली डिमांड जोन के चलते हुए ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए अगर कोई किसी का अगर पोजीशन लॉस में है तो उसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम इस स्टॉक के जो 30 मिनट्स का चार्ट है उसे हम यहाँ पर एक ओवरव्यू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये फ्रेश एक डिमांड जोन क्रिएट करेगा, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज ये स्टॉक ओपन हुआ था 388.20 को, और इसने 386.55 का ये जो यहाँ पर डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के आसपास ये आने की कोशिश की, लेकिन ये डिमांड जोन इतना स्ट्रांग है कि ये इस डिमांड जोन के जो ये डेली फ्रेश डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, और इस स्टॉक ने अभी तक 394.45 का हाई ये बना चुका है, और ये इस फ्रेश डिमांड जोन के चलते ये स्टॉक ऊपरी लेवल तक ट्रेड करता हुआ नज़र आने वाला है। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ प्राइस एक्शन इस स्टॉक में होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये बायोकॉन का डेली चार्ट है, और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस स्टॉक का जो डेली ट्रेंड है वो डाउन हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये स्टॉक जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस स्टॉक को यहाँ एक डेली डिमांड जोन था जो कि बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन था, और वो डिमांड जोन कुछ हद तक यहाँ पर एक रोल प्ले करने की पूरी संभावना थी। यहाँ पर देखिए, हमने उस डिमांड जोन को यहाँ ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर डेली चार्ट पर एक डिमांड जोन था यहाँ पर, कि जैसे ये इस डिमांड जोन का जब इस्टेब्लिश हुआ, ये बना, तो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपरी लेवल तक, यहाँ पर आपने देखा होगा 456-57 तक यहाँ पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन सेल ऑफ के चलते यहाँ का डेली जो ट्रेंड था वो डाउन हो चुका, और ये जो स्टॉक है स्विंग करते हुए नीचे की ओर आ रहा। तो हो सकता है कि किसी ने यहाँ पोजीशन ली हो गई, ये बुलिश जो पैटर्न यहाँ पर डेली बेसिस पे बना था, किसी का हो सकता है कि इन बुलिश पैटर्न पे किसी का होल्ड पोजीशन होगा, और अभी उनको अनरियलाइज लॉस देखना पड़ रहा होगा उनके अकाउंट को। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि यहाँ पर एक डिमांड जोन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे, फर्स्ट टाइम जब ये आया था 17 अगस्त को, तो यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, और उसके बाद 18 अगस्त को इस डिमांड जोन में आने के बाद भी स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सप्लाई के चलते हुए, सेल ऑफ के चलते हुए स्टॉक फिर इसी डिमांड जोन में आया, और करीब करीब यहाँ पर 50% इस डिमांड जोन में क्लोजिंग देने तक ये जो सेलर है वो सक्सेस भी रहे। लेकिन यहाँ पर एक 30 मिनट्स के चार्ट पे और डेली डिमांड जोन के चलते यहाँ पर आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, इसमें पूरी प्रबल संभावना थी कि यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग का एक पैटर्न उभर कर सामने आएगा, और इस डिमांड जोन का जो है यहाँ पर जो एक ये आपको दिख रहा है, ये एक डिमांड जोन, और यहाँ पर लगातार जो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, और एक ये देखिए यहाँ उसके नीचे और एक डिमांड जोन था जो उसे सपोर्ट देने का यहाँ पर काम कर रहा है। ये देखिए,
तो यहाँ पर ये एक डेली डिमांड जोन और उसके नीचे इमीडिएट एक सेकंड डिमांड जोन था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस डिमांड जोन में प्राइस आने के बाद एक अच्छा बाउंस बैक किया, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक ऊपर की ओर इस लेवल से भी, जो 447 का लेवल है, इससे भी ऊपरी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। क्यों आने वाला है ये उसके फंडामेंटल से हमने इस वीडियो में पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं और आपका अगर पोजीशन है तो होल्ड कीजिए और आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।